और चलिए बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं वॉर जोन से। बड़ी खबर रूस यूक्रेन वॉर जोन से, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल 90% से ज्यादा बाखमुट पर रूसी कब्जा हो गया है। कुछ दिन के लिए युद्ध विराम चाहता है वैगनर। बाखमुट को लेकर ISW की रिपोर्ट में बड़ा दावा। बाखमुट को बचाने के लिए यूक्रेन आर पार की जंग लड़ रहा है। खबर है कि बाखमुट के 90% से ज्यादा इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। जल्दी ही वो बाकी हिस्से पर भी कब्जा कर लेगा। बाखमुट को लेकर ये दावा ISW की रिपोर्ट में किया गया है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस की ओर से जंग लड़ रही वैगनर आर्मी कुछ दिन के लिए युद्ध विराम चाहती है। बाखमुट को लेकर आर्मी थिंक टैंक की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। बाखमुट में कुछ दिन के लिए युद्ध विराम चाहता है वैगनर। 10 महीने से जंग लड़ते लड़ते हताश हो चुके हैं वैगनर के लड़ाके। बाखमुट में पूरी तरह से कब्जे के लिए नई स्ट्रेटजी तैयार करेगा वैगनर ग्रुप। महीनों की जंग के बावजूद अब तक रूस का पूरे बाखमुट पर कब्जा नहीं। बाखमुट पर कब्जे के लिए भीषण जंग के बीच ISW की रिपोर्ट पर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। पहला, बाखमुट को लेकर रिपोर्ट सही या सिर्फ अमेरिका का प्रोपेगेंडा? दूसरा, क्या कुछ दिन युद्ध रोककर पुतिन को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं वैगनर चीफ? तीसरा, बाखमुट में कुछ दिन युद्ध रोकना क्या वैगनर चीफ को पड़ेगी भारी? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो यूक्रेन के खिलाफ बढ़त हासिल करने वाले पुतिन को कमजोर करने वाली है।